हेलो फ्रेंड्स, सुबह सुबह का प्यार भरा गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? हम लोग उम्मीद करते हैं दोस्तों आप एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम लोग भी बिल्कुल अच्छे हैं। तो दोस्तों स्वागत है हमारे प्यारे से ब्लॉग नगांती चौहान ब्लॉग में। तो प्लीज़ दोस्तों एंड तक वीडियो देखिए और थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। इस ब्लॉग में आपको सॉन्ग भी सुनने को मिलेगा, प्यारा प्यारा रेसिपी भी बना के दिखाएंगे ना जी। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आ शुरू करने से पहले इधर देख सकते हैं दोस्तों कैसा मौसम हुआ है प्यारा सा। तो कुछ ज़्यादा ही रंगीन सॉन्ग सोच के रखा हूँ आकाश की मम्मी को सुनाने के लिए और आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। उससे पहले चलिए मैं आकाश की मम्मी के लिए प्यारा सा खाना बनाने जा रहा हूँ। तो चलिए किचन में लेकर चलता हूँ आपको, हमारा छोटा सा प्यारा सा किचन में। आप सभी को स्वागत है, आइए आप लोग भी खा लीजिए। पहले मैं चलूँ बना लेता हूँ। तो दोस्तों देख सकते इधर सब चीज़ काट वट के मैंने रेडी कर लिया है कि वीडियो कुछ लंबा ना बने, क्योंकि आप लोग को लंबा अगर वीडियो हम लोग बनाते हैं तो ना शेयर करते हैं ना एंड तक देखते हैं। तो इधर दोस्तों देख सकते हैं प्याज और थोड़ा सा बैंगन काट के रख लिया हूँ कि उसके साथ थोड़ा इसका जो पेस्ट बनेगा मसाला वाला और एमी टेस्टी टेस्टी लगे। सूखा मिर्च और लहसुन और अदरक और टमाटर। इधर दोस्तों देख सकते हैं आलू और गोभी काट के और धुल के रखा हूँ। इधर चूल्हा जलाना बाकी है। तो चलिए दोस्तों पहले मैं तेल गरम कर लूँ कढ़ाई में। तो दोस्तों देख सकते हैं खाना बनाने का देसी तरीका आप लोगों के बीच में बना दिखा रहा हूँ। आप लोगों को बिल्कुल अच्छा लगेगा, ऐसा कभी बना के देखिएगा। प्याज पहले मैं फ़ोरन डाल दिया हूँ, सूखा मिर्च और थोड़ा सा जीरा का, और उसके बाद प्याज और हल्का सा बैंगन और गोभी पहले इसको पूरा भून दूँगा। उसके बाद इधर आलू डाल के हल्का सा भूज के फिर मसाला डालने वाला हूँ। इसका टेस्ट ही अलग रहता है खाने में। तो चलिए दोस्तों मैं पहले इसको तैयार कर लेता हूँ, देखता हूँ भूज के कितना लाल करता हूँ, फिर बताता हूँ आपको कैसा बनेगा यमी टेस्टी टेस्टी आलू गोभी और हल्का सा बैंगन और सब्जी। देख सकते भूज भूज के कितना लाल कर दिया मैंने। अब इसमें डालने वाला हूँ आलू, नहीं तो जलना शुरू हो जाएगा। टमाटर में बाद में डालने वाला हूँ। पहले ये एकदम छोटा छोटा आलू लिया हूँ, थोड़ा काटने में टाइम लगता है लेकिन बहुत टेस्टी लगता है जितना छोटा छोटा ना जी। चलिए इसको भी मैं भून लेता हूँ, उसके बाद हल्का सा मसाला डाल के फिर हमारा सब्जी बन के एकदम रेडी हो जाएगा। अगर इसको रोटी के साथ खाना है तो हल्का सा पानी डालेंगे आगे थोड़ा सा, अगर चावल के साथ खाना है तो थोड़ा एक्स्ट्रा पानी डाल लेंगे तो बहुत मस्त हो जाएगा बन के। एम टेस्टी टेस्टी आलू गोभी और हल्का सा बैंगन का सब्जी। सबसे कितना प्यारा भूज के हो गया। हल्का सा मैं मसाला डालने वाला हूँ और आकाश को हम जा रही है अपने खेतों में से धनिया का पत्ता तोड़ने। थोड़ा बाहर का मौसम भी दिखाएगी, जाइए भी धनिया का पत्ता तोड़ लिए आज तक में। हाँ जाइए लेके आइए, चलिए हम धनिया का पत्ता तोड़ लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते कितना प्यारा प्यारा मैंने भूज दिया है और आकाश को हमें लिया दी धनिया का पत्ता, वो भी डाल दिया हूँ। और थोड़ा मैं पानी ज़्यादा डाला हूँ क्योंकि मेरे को चावल के साथ खाना है और इसका खुशबू कम से कम इतना भूख लगा दिया अंदर से। आप लोग भी ऐसी सब्जी बनाइए कि भूख का दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ता, जैसे नहीं होता है कि भूख नहीं लग रही। तो इतना मैं भूख देता हूँ कि मेरे बच्चे को आकाश के मम्मी को भी एक्स्ट्रा भूख लगने लगे। तो चलिए मेरा सब्जी बन के तैयार है। हाँ हाँ, बारिश हो रहा है बिहार में, अभी थोड़ा मौसम लग रहा है खुलने वाला है लेकिन अभी भी बना हुआ है मौसम। चलिए दोस्तों सब्जी बन के तैयार हो गया। उसके बाद अब थोड़ा सा प्यारा सा छोटा सा गाना सोचूंगा आकाश की मम्मी के लिए जो आप लोग को बिल्कुल पसंद है। पहले खाना थोड़ा सा बना के खा लेते हैं। तो दोस्तों फाइनली हमारा सब्जी बन गया है। आप सोच रहे होंगे चावल तो दिखाई नहीं रहे, तो चावल हम लोग रात का बचा हुआ है तो उसी को हम लोग खाएंगे अभी सुबह सुबह, क्योंकि सही है चावल। और सब्जी गर्मा गर्म बना लिए क्योंकि अनाज कभी जिया नहीं किया जाता है ना जी। तो चलिए अब आकाश को उनके लिए छोटा सा प्यारा सा सॉन्ग पहले लिखता हूँ, उसके बाद सुनाऊंगा आप लोग। तो दोस्तों एक प्यारा सा सॉन्ग याद किया हूँ आकाश के मम्मी के लिए और आप लोग के मनोरंजन के लिए, जो आप लोग एकदम अच्छा लगेगा। तो देखिए छोटा सा प्यारा सा साइकिल पकड़ के गा रहे ना जी। फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है, फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है, रंग तेरा देख के रूप तेरा देख के
दिल हुआ बेईमान है, रंग तेरा देख के रूप तेरा देख के दिल हुआ बेईमान है। पूरब से आती सूरज की लाली, पश्चिम में चंदा की मुस्कान है। पूरब से आती सूरज की लाली, पश्चिम में चंदा की मुस्कान है। रंग तेरा देख के रूप तेरा देख के दिल हुआ बेईमान है। दोस्तों कैसा लगा गाना आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। अच्छा अभी थोड़ा सा और है। शेरनी के जैसी आंखें हैं तेरी, बुलबुल के जैसे तेरी चाल है। शेरनी के जैसी आंखें हैं तेरी, बुलबुल के जैसा तेरी चाल है। माथे पे तेरी सूरज की लाली, रेशम की जैसी तेरी बाल है। चंद सितारों में एक हजारों में तेरा यहाँ कोई जवाब नहीं है। खुशियों में तू है पली, हर गम से अनजान है। रंग तेरा देख के रूप तेरा देख के दिल हुआ बेईमान है। रंग तेरा देख के रूप तेरा देख के दिल हुआ बेईमान है। फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है। फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों से। तो दोस्तों आज का वीडियो फाइनली हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। हाँ हम लोग को उम्मीद है कि आप लोग को बिल्कुल अच्छा लगा होगा, और हिम्मत देते रहिए और अपना प्यार ऐसी बनाते रहिए, और कमेंट तो जरूर करिए और समझाते रहिए। हिम्मत हौसला बढ़ाना आप लोग का